दोस्तों आज का रिव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मामा अर्थ का अनियन शैम्पू का रिव्यू। दोस्तों ये शैम्पू का रिव्यू आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें फुल डिटेल में बताऊंगा कि आपको इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से किन किन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। साथ साथ जो है किस तरह से ये बाज़ार के में मिलने वाले सभी शैम्पू से थोड़ा सा अलग है और इसको खास जो इसको बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपके बाल जो है उम्र से पहले टूटना शुरू हो चुके हैं, उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है धीरे धीरे बेजान रूखे से हो रहे हैं, तो आप दोस्तों इस शैम्पू को यूज़ करके अपने बालों में फिर से जान भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये किस तरह से अलग है बाज़ार में मिलने वाले सभी शैम्पू से, वो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि इसके अंदर जो है सल्फ़ेट नहीं है। दोस्तों आमतौर पर जो सल्फ़ेट जो है वो हर शैम्पू में यूज़ किया जाता है, जिससे आपके बालों जो हैं सही से क्लीन हो पाते हैं। लेकिन जो है जो सल्फ़ेट है वो आपके बालों को एक बार साफ़ तो कर देता है, लेकिन आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल होता है, जो आपके बालों की जड़ों को ज़रूरी होता है, उसको भी निकाल लेता है, जिसके आपके बाल जो कि जड़ें जो है सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो डैंड्रफ का कारण भी बनती हैं, धीरे धीरे आपके बाल के टूटने का भी वही कारण बनती हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो मामा अर्थ वालों ने इस शैम्पू को जो है विदाउट सल्फ़ेट बनाया है, जिससे जो है ये इसको आपको क्लीन तो कर ही पाएगा अच्छे से, लेकिन वो आपके बालों में ज़रूरी जो ऑयल है उसको भी नहीं निकालेगा, जिससे आपके बाल जो है बिल्कुल सूखापन जो है रूखे रूखे ड्राइनेस जो है आपके अंदर वो बालों में नहीं आएगी शैम्पू करने से। दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि आपके हर तरह के बाल, अगर आपके बाल ऑयली हैं, आपके बाल ड्राई नेचर के हैं, अगर आपके बाल जो हैं कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा जो घुंघराले से हैं, भारी बाल है, हल्के बाल है, हर तरह के आपके बालों में ये बिल्कुल काम करता है, कारगर है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। इस शैम्पू को यूज़ करना जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपने इस शैम्पू को जो हफ्ते में 2 से 3 बार आपने यूज़ करना है। यूज़ करने के जो तरीका रहेगा वो सिंपल, जैसे आप नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं उस तरह रखेंगे, लेकिन पानी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म पानी से आपने अपने बालों को नहीं बिल्कुल भी वॉश करना। यही प्रोसेस को आपने लगातार 3 महीने तक अगर आपने इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बालों के अंदर जो रूखापन जो है परमानेंटली आपके बालों का मेन जो ख़राब कर रहा है वो बिल्कुल दूर हो जाए, क्योंकि आपके बालों के अंदर सल्फ़ेट फ्री होने के कारण जो है बालों को काफ़ी अच्छे से क्लीन भी करेगा, लेकिन बालों के अंदर जो है नेचुरल ऑयल है उसको नहीं निकालेगा, जिससे आपके बाल जो है दोबारा अच्छे हो जाएंगे, टूटना भी बंद हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस शैम्पू को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसके सभी फ़ायदों को उठा पाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ आप दोस्तों आप अगर किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए गए प्रोडक्ट का रिव्यू भी बहुत जल्दी लेकर आएँ। थैंक यू गाइस एंड बाय।